झोपड़ी में रहने वाली चंदना बनी विधायक, पति है मजदूर, खाते में सिर्फ 6,000 रुपए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा की टिकट पर सालतोरा सीट से चुनाव लड़ने वाली चंदना बावरी चर्चा का विषय बन गई हैं। राज्य में भाजपा भले ही टीएमसी से हार गई हो, लेकिन सालतोरा सीट पर चंदना बावरी ने उम्मीदवार संतो मंडल को हरा कर जीत हासिल की है। भाजपा नेता सुनील देवधर ने ट्वीट कर बताया कि चंदना बावरी की उम्र भर की जमा पूंजी केवल 31,985 रुपए है। वह झोपड़ी में रहती है, वो एक गरीब मजदूर की पत्नी है। चंद्रा अनुसूचित जाति से आती हैं और उनके पास केवल 3 बकरियां और 3 गाय हैं। चंद्रा बावरी को सभी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। चंद्रा बावरी की ये जीत ऐसी महिलाओं को प्रेरित करने वाली है जो गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। उन्होंने इस सीट पर जीत कर ये साबित कर दिया कि जीत के लिए किसी पार्टी के परिवार वाला अमीर और रुतबा होना ही काफी नहीं है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। चंद्रा बावरी मार्च में हुए ANI से बात के बारे में बताया कि टिकट की घोषणा से पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। कई लोगों ने मुझे ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं ये उपलब्धि हासिल कर पाऊंगी। चंद्रा बावरी ने नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपने बैंक खाते में सिर्फ 6,335 रुपए होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उनके पति के खाते में महज 1,561 रुपए जमा है। शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति महज 31,985 रुपए है। वही चंद्रा के पति मजदूर हैं और उसी से अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनके पास किसी भी तरह की कृषि भूमि भी नहीं है। चंद्रा ने 12वीं तक की पढ़ाई की है, वहीं उनके पति महज 8वीं पास हैं। बता दें कि कई लोगों ने चंद्रा की जीत को शानदार और प्रेरणादायक बताया है। उन्हें कई भाजपा नेताओं और लोगों द्वारा ट्विटर पर बधाई दी जा रही है।